मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री अंबिका स्कूल, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट इंग्लिश। सो इंग्लिश में हमने जो हमारा सेकंड यूनिट सेकंड है वो हमारा कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी 7, डायनासोर आर एक्साइटेंट एंड द पर्पल फॉर्ग इज एंडेंजर्ड, हाउ दे इज द वर्ड डिफरेंट। अब देखो, ये डायनासोर है वो एक्साइटेंट है एंड द फ्रॉग है वो एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड मीन्स पर्पल फॉर इंडेंजर्ड मीन्स कि वो खत्म होने के नज़दीक है, बट जो एक्सीडेंट है वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, वो अभी इस दुनिया में पाए नहीं जाते। यूज द लाइब्रेरी, इंटरनेट एंड पीपल हु आर अबाउट टू एनिमल टू फाइंड इंफॉर्मेशन एक्सीडेंट एंड इनलेजेंडेड एनिमल्स। वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ दिस www.archiver.org लर्न अबाउट द एनिमल दैट न्यू ऑफ द शेर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कास्टमेट। ओके, दैट द इंटरनेट, गूगल ऊपर देखो, www.archiver.org सर्च करोगे उसमें आपको दिखाई देंगे कि कौन कौन से जानवर है जो इस दुनिया में नहीं रहे, कौन कौन के जो है उसको बहुत ही प्रिजर्व किया जाता है, जैसे कि वो बहुत थोड़े रह चुके हैं, इन डेंजर में है, बहुत ही डेंजर में है। सो ये दोनों के दोनों फाइल नाम आपको होमवर्क में लिखने हैं। Compare your list to the classmate list. Compare mean to look carefully that the list of your friend is list. Find an animal on the classmate list and not your list. Ask your classmate tell about the animal. तुम लोग एक दूसरे को देख सकते हो कौन सी एनिमल है आपको, आपने जो पांच लिखे होंगे दस बाजू वाले वो नहीं लिखे होंगे, कोई कोई सेम होंगे, कोई कोई नहीं होंगे, जो नहीं होंगे उसके बारे में से पूछो कि ये कैसा होता है। I learned about dash from my classmate and name. कोई भी एक एनिमल का नाम लिखना है और उसका नाम। Activity 8. The purple frog is a larger than many a frog. It has a very fat body and short limbs. Male are 60% smaller than females. Okay, purple frog है, क्या है कि वो 60 बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही देख रहा है उसका लिम्ब, लिम्ब मीन्स उसकी जो ये चिंग जैसा होता है, लिम्ब जो है वो बहुत शॉर्टेड होता है। देन द मेल हैव अ 60% स्मॉलर देन, जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है, मेल होते हैं वो छोटे होते हैं। देन द स्मॉल हेड टू द शॉर्ट फॉर द बॉडी एंड देन फॉर्म्स आउट स्टिक्स एंड दिस इज स्मॉल वाइट स्नॉब। This is purple frog has a shovel shape and bumped on the each back leg and rounded toe and the webbed feet on the digging. देखो ये पिक्चर देख रही है, उसमें देखो कैसा है कि उसकी बॉडी है ना एकदम शॉर्ट फॉर द बॉडी, हेड है ना उसका एकदम छोटा है। देखो बॉडी बहुत बड़ी है, हेड बहुत छोटा है। फिल्म शॉर्ट्स एकदम पतला सा स्नॉट स्टिक्स है उस आउट ऑफ द स्मॉल वाइट नॉब, उसकी आप ऊपर एक वाइट नॉब जैसा है, एक नॉब मीन्स के कुछ चीज़ें खींचने के लिए हम जो चूज यूज करते हैं उसे नॉब जैसा, उसमें वाइट नॉब जैसा है। द पर्पल फ्रॉग शोवल शेप बम्प ऑन द ईच बैक ऑफ लेग, उसके लोग लेग है उसके पीछे एक बम्प दिख रहा है, देखो छोटा सा एक बम्प है, शोवल शेप्ड है। राउंडेड टो, उनकी टो है वो राउंडेड है। एंड दैट द वेब्ड फीट ऑन द डिगिंग, उसकी जो फीट है उसमें डिगिंग के लिए भी एक वेब जैसी जगह आती है। देन द स्नॉट लेग हेल्प द फ्रॉग टू डिगिंग एंड ग्राउंड इंसेक्ट एंड देन द स्मॉल क्लियर ब्लैक आई एंड दैट इज द नैरो माउथ एंड दिस फ्रॉग माउथ इज लार्ज इनफ टू स्मॉल ईट स्मॉल इंसेक्ट लाइक टर्मिनेट्स एंड द फ्रॉग फेवरेट फूड। क्या है कि जो उसका मुंह है उसके अंदर फ्रॉग डिगिंग इन द ग्राउंड एंड इंसेक्ट दैट इज स्मॉल क्लियर एंड ब्लैक आई एंड नैरो, उनकी आंखें ब्लैक होती है और नैरो माउथ एकदम छोटा सा माउथ होता है, फिर वो माउथ भी है इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा वैसे छोटा है बट उसमें इंसेक्ट आ जाए उतना बड़ा हो सकता है। द स्मॉल राउंडेड टंग स्टिक आउट द हार्ड पर्पल जो एंड देन द सॉफ्ट जो, जो मीन्स हमारी जो निचला जड़वा होता है उसे जो कहते हैं। दैट द राउंडेड स्टिक एंड दैट द अपर जो एंड राउंड इज टंग हैज बीन टिप एज अ फ्रॉग नो टीथ एंड द टेल हैव बीन लिटल ब्राउन विद द डार्क पर्चेस एंड द स्मूथ स्किन
डार्क पर्पल ऑन बैक एंड फेडेड ग्रे इन अ बेली। तो उसका कलर है जो वो बेली है उसके पेट के ऊपर जो है वो एकदम फेडेड ग्रे कलर का है, उसकी जो स्किन है वो एकदम पर्पल कलर की है, डार्क कलर ऑन द ब्लैक एंड देन उसके अंदर डार्क वाइट उसकी टेल है, वो ब्राउन पैचेस है उसमें एंड द नो टीथ, उनकी दांत होते नहीं है एंड वन टंग इज आर देन द एक्टिविटी 9 व्हेन द साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू एनिमल प्लांट एंड दे डिस्क्राइब दैट वेरी केयरफुली विदाउट द केयरफुली डिस्क्रिप्शन टू सिमिलर स्पीसीज माइट बी कंफ्यूज नोटिस द डिटेल्स ऑफ द डिस्क्राइब ऑफ द पर्पल फ्रॉग विच पार्ट ऑफ फ्रॉग आर केयरफुली डिस्क्राइब व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द डिस्क्रिप्शन। ओके, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए स्पेशली उसे डिस्क्राइब करने के लिए तो पहले देखो यहाँ पर्पल फ्रॉग है उसे डिस्क्राइब करने के लिए उसका कलर एकदम परफेक्ट दिया गया है, कैसा कलर है उसकी टंग, उसमें टीथ नहीं है, वो दूसरे सारे फ्रॉग से कैसे अलग होता है उसको परफेक्टली डिफाइन किया है, उसकी उसकी स्किन, उसकी टो, उसकी जो वो सब कुछ डिस्क्राइब किया है। व्हाट द बिहेवियर आर डिस्क्राइब अंडरलाइन ऑन ऑब्जेक्ट इज यूज इन अ डिस्क्राइब द फ्रॉग हाउ मैनी एडजेस्टिव यूज इन टू डिफाइंड, उसमें कितने चीज़ें हैं वो सारी की सारी लिखनी है कि एक फ्रॉक को डिफाइन करने के लिए उसके लैग, उसकी टंग, उसकी जो, उसके कलर, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ओके, एक्टिविटी 10 ए है मिलान रॉट द पोएम ऑफ चिल्ड्रन ही ऑफन रॉट फ्रॉम द पोएम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चिल्ड्रन एट द जू, वन ऑफ द पोएम इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डू नॉट नो दैट द राइट नेम ऑफ थिंग मिलन इज स्टूडेंट थिंग डायरेक्शन पोएम एट द जू ए मिलन देर आर द लायन एंड रोरिंग टाइगर्स देर द इनमर्स कैमल एंड थिंग्स there are buffalo 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 bison and then great big bear with the wing। okay, ये सारी की सारी चीजें हैं वो हमने एक ए मिलन नाम के इंसान है उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये चीजें ट्राई की है कि जू में कोई बच्चा होगा वो कैसे वन जू के एनिमल को देखेगा उसके बारे में है। तो फर्स्ट इज ए मिलन रोट अ पोयम There is a lion and roaring tiger. वहाँ पे एक lion है और एकदम गर्जना करने वाले tigers and morose camels and then think there are the buffalo and bisons. ये सारे animal के नाम हैं and great big bear with wings. bear है उनकी wings means के वो बहुत सारे hair वाले होते हैं इसलिए. There are the short of the tiny petam. Potamus and then tiny Norus too, but that hippopotamus means potamus, tiny hai isliye tiny potamus and the tiny Norser too. How gave the buns an element? How gave the bun to the elephant? And when I went to the zoo, there are banderer and the binderer and bodiger and the supplement talent house there is message got and the parlor. Okay, there are very very badgerers hai binderers hai and bodigerers hai and that is super talented house there is a masses of god bahut sari goat hai and the polar means polar bear. The different kind of mouse and think are short in something which is called velobo and but also buns in the element what I went down the zoo. क्या है बहुत सारे टाइप के चूहे हैं and then there is a short of something पर थोड़ी तो भी थोड़ी एक कुछ अच्छा नहीं है and which is called velobo है उसकी short है मीन्स की वलाबू नाम की प्रजाति है वहाँ उसकी वो नहीं है वहाँ पे दैट इज शॉर्ट ऑफ दैट मीन्स किसी भी चीज़ की कमी होना व्हेन आई रियलाइज डाउन द जू इफ यू ट्राई टू टॉक द बिसन एंड देन ही नेवर क्वाइट अंडरस्टैंड यू कैंट शेक हैंड विद द मिंगो एंड ही डिज नॉट लाइक द शेकिंग हैंड इफ यू बिसन टॉक टू बिसन है ही नेवर क्वाइट अंडरस्टैंड वो कभी समझ में नहीं पाता क्यों You can't shake hand with the mingo. Mingo means उसके हाथ नहीं होते इसलिए उसके साथ हम shake hand नहीं कर सकते He doesn't like the shake hands.
एंड द एनिमल लायन एंड रोरिंग टाइगर्स हैड टू सेइंग हाउ डू यू डू, जो हमारे लायन और एनिमल्स हैं वो सारे कभी हमें ये नहीं कहते कि हाउ डू यू डू, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एंग्री मूड में होते हैं, तो ऐसा दिख रहे हैं. बट आई गिव बंस टू द एलिफेंट एंड व्हेन यू आई डाउन टू ज़ू, मैंने एलिफेंट को बंस दिए और मैंने जब एनिमल मैं ज़ू में गया था. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, अगर कोई बच्चा पोयम में दिखाया जाए कि कोई बच्चा जू में जाए तो उसे क्या लगेगा, उसे दिखेगा कि लायन है, टाइगर है, वो सारे रोर कर रहे हैं, और वो कैमल्स है, बिस्मो है, बुफेलोज है, चूहों की बहुत सारी जाति है, पर ये चूहा कम है, एलिफेंट को हमने ये खिलाया है, अच्छा है, पोटेमस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में. मिंगो है तो उसे हाथ नहीं करना पसंद है क्योंकि उसके हाथ नहीं होंगे, तो ये एक चाइल्ड की इमेजिनेशन होगी. वैसे ही ए मिलान ने दी है. सो हमारा जो यहाँ पे चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है, यूनिट 2. इसके बाद हम यूनिट 2 चालू करेंगे और इसकी जो हमारी वर्कबुक होगी वो ख़त्म करेंगे.